बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का बीमारियों से पुराना नाता रहा है। उनका एक्टिंग करियर जब उफान पर था, तब से लेकर अब तक उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं और हर बार वो मौत को मात देकर फिट हुए हैं। अमिताभ बच्चन महज 25% लीवर के सहारे ही चल रहे हैं। उनका 75% लीवर डैमेज हो चुका है। दरअसल कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ बच्चन के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस चला गया था। खून चढ़ाने के दौरान यह वायरस उनके अंदर गया तो लीवर के 3 हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन को अस्थमा की भी बीमारी है। इस बीमारी की वजह से ऑक्सीजन सही मात्रा में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। अस्थमा अटैक की वजह से अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा है। ये वो बीमारी है जिससे अमिताभ अभी तक जूझ रहे हैं। अमिताभ बच्चन को टीबी की बीमारी भी हो चुकी है। एक इंटरव्यू में खुद अमिताभ ने खुलासा किया था, साल 2000 में उन्हें टीबी डिटेक्ट हुआ था, हालांकि वक्त रहते इसकी दवाई ले ली और फिर वो एकदम ठीक हो गए थे। बिग बी ने कहा था, अगर ये बीमारी उन्हें हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। अमिताभ बच्चन आंखों की रोशनी को लेकर भी परेशान रहते हैं। एक ब्लॉग में अमिताभ ने आंखों की रोशनी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने बाकायदा फैंस को बताया था, मेरी आंखों से तस्वीरें धुंधली दिखाई देती हैं, कई बार दो दो चीजें दिखाई देती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं भी इस तथ्य को मानने लगा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी और अंधापन पहले से ही मेरे भीतर चल रही लाखों बीमारियों में इजाफा करेगा। हालांकि डॉक्टर्स ने अमिताभ बच्चन को इस बीमारी से अभी निजात दिलाने का वादा किया। आंखों की रोशनी को लेकर डॉक्टर के भरोसे के बाद बिग बी ने बताया, मैंने डॉक्टर से बात की और उनके दिए निर्देशों का पालन लगातार कर रहा हूँ। उनका दिया हुआ आई ड्रॉप हर घंटे आँख में डालता हूँ। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेरी आँखों की रोशनी नहीं जाएगी। मैं बहुत ज्यादा समय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारता हूँ और डॉक्टर का कहना है कि उसी का नतीजा है। अमिताभ बच्चन को कैंसर की बीमारी होने का भी दावा किया गया, हालांकि उन्होंने इस बात पर कभी मोहर नहीं लगाई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुरुआती स्टेज में ही अमिताभ बच्चन को कैंसर की बीमारी का पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन पीठ दर्द की परेशानी से भी जूझते रहते हैं। वो अगर लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठ जाएं तो उन्हें दर्द होने लगता है। हैरानी की बात यह है कि इस बीमारी के बारे में उन्हें 4 से 5 साल बाद पता चला था। बिग बी को इतनी बीमारियां होने के बाद नवंबर 2019 में डॉक्टर ने उन्हें काम से ब्रेक लेने की सलाह दी थी, मगर अमिताभ बच्चन का हौसला देखिए, उन्होंने इसके बाद भी झुंड, ब्रह्मास्त्र, चेहरे और गुलाबों सितारों की शूटिंग पूरी की। अमिताभ अभी और भी फिल्मों में सक्रिय रहना चाहते हैं और उनकी कोशिश हर बीमारी को हराने की है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की बीमारियों पर आपका क्या कहना है और क्या लगता है कि उनके जज्बे के आगे हर बीमारी हार जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।